ग्रामीण परिवेश में बच्चों को लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों में हुनर खूब है, लेकिन उसको तराशने के लिए जो आपने ये शुरुआत की है, काबिले तारीफ है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपने जो ये मुहिम छेड़ी है कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों को लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों में हुनर खूब है, लेकिन उसको तराशने के लिए जो आपने ये शुरुआत की है, काबिले तारीफ है। तो मैं आप सभी को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि एजुकेशन इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल। जो कोई भी कच्ची सामग्री है, एजुकेशन उसको अपने रूप में, स्वरूप में ढाल के और उसको कामयाबी का जो हुनर सिखाती है वो एजुकेशन ही है। आप अपने चाहे खाने की, ओढ़ने पहनने की आवश्यकताओं में कमी करें, लेकिन एजुकेशन के साथ में कोई बार्गेनिंग ना करें। और इसी के तहत हमारे आसपास गांव में जो नाम है, अब जैसे बेटी सुमन जो लेडी होर्डिंग्स उसमें जा रही है, तो मैं तहे दिल से प्लीज़ एक्नॉलेज माय ग्रीटिंग्स ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। हमें भी फख्र होता है कि हमारे मिलने वाले हमारी बेटी है जो वहां पे गई है, और उस सभी का श्रेय सर तहे दिल से मैं CLC को देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इसको पहचान दिलाई। और आज फेसबुक लाइव पर सभी लोग जो देख रहे हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इससे आप लोगों को भी सभी को मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने बच्चों को कामयाबी के इस राह पे उनको मोटिवेशन देंगे। अंत में मैं दो चीज़ें जरूर मुझे याद आ रही हैं। एक प्रसिद्ध दार्शनिक थोरो ने कहा है कि बोथ टुगेदर मेक द म्यूजिक, आइदर मार्ड ऑल इज म्यूट। यानी टीचर और शिष्य हों, चाहे साधक और यानी भगवान हो उनके, उन दोनों में जो एक लय सुर ताल बनती है उसी से स्वर निकलता है। जैसे बांसुरी है तो बांसुरी और हवा का जो संयोग होता है तभी सुर निकलता है। इसी तरह से एक अच्छा गुरु मिल जाए और एक शिष्य, उन दोनों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन जाए, तो डेफिनेटली दे विल रीच एट द टॉप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। थैंक यू। बहुत प्यारी बात है आपने। थैंक यू डियर।